संसार का जीव, संसार की गलियों में भटकता ये जीव सत्संग की ओर पग बढ़ाए, ये उसकी इच्छा के बिना असंभव है, हो ही नहीं सकता। वो चुनता है, वो याद करता है, तब पैर बढ़ते हैं सत्संग की ओर, तब ये घड़ियां जीवन में आती हैं, तब ये बेला आती है, तब ये समय आता है जब वो याद करता है, जब वो स्मरण करता है आपका। लेकिन राजा को भक्त और भक्ति की महिमा नहीं समझ में आई, उसने फिर मूढ़ता भरा कार्य किया। और उधर अंगद जी को जब ये लगा कि राजा इस स्तर पर आ गया है तो कहीं किसी प्रकार से ये रत्न मुझसे छीन ना ले, वो उसी क्षण चल दिए श्री जगन्नाथपुरी की ओर कि शीघ्र अति शीघ्र जाऊं, जीवन रहे न रहे उससे पहले मैं कम से कम अपना ये भाव तो प्रभु के चरणों में निवेदन कर दूं। राजा ने सिपाहियों की एक फौज भेज दी अंगद जी के पीछे, अंगद जी को घेर लिया आकर, वो बेचारे अकेले सिपाहियों की फौज। उन्होंने कहा कि या तो आप वो हीरा हमें दे दें, नहीं तो हमको आपको इस राजा के सन्मुख ले जाकर प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। हमें आदेश है राजा का कि येन केन प्रकारेण आपसे वो हीरा लेकर राजा को दिया जाए और आपको कारागार में डाल दिया जाए। अंगद जी ने कहा ठीक है, हम रत्न आपको देने के लिए प्रस्तुत हैं, बस मेरी एक इच्छा है कि ये सामने सरोवर है, मैं इसमें स्नान करके और हीरा अर्पण कर दूंगा। सिपाहियों ने सोचा ठीक है। अंगद जी ने सरोवर में स्नान किया और जुए डुबकी लगाई, मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये वस्तु आपकी है और सिंह का भाग कभी गिदड़ लेकर नहीं जा सकता, मैंने मन से ये रत्न आपके श्री चरणों में निवेदन कर दिया है, मैं आप तक पहुंचने में असमर्थ हूं लेकिन आप मुझ तक आने में सर्वथा समर्थ हैं, इसलिए प्रभु तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी गिरधारी रे, इसीलिए मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी विनम्रता से कहता हूं, जो जहां है जिस अवस्था में है वो वहीं पर रहकर स्वयं को साधे, क्योंकि जीव भले असमर्थ हो प्रभु तक पहुंच पाने में पर प्रभु तो सर्वकाल समर्थ हैं, वो कहीं भी किसी के भी निकट कभी भी आ सकते हैं, उन्हें आने के लिए किसी से आज्ञा नहीं लेनी। इसीलिए अपने प्रारब्ध अपनी नियति को स्वीकार करते हुए, संतोष का भाव जीवन में धारण करते हुए, धीरज धरते हुए स्वयं को साधने का प्रयास करिए, वहां जहां आपको आपका प्रारब्ध लेकर आया है। संसार की परिस्थितियों से उलझिए मत, अपने जीवन में व्यर्थ की ऊहापोह मत लाइए, वैसे ही संसार में उलझने बहुत हैं। जो है महाराज कहते हैं तेरा पाना मीठा लागे, जो है उसे स्वीकार करिए प्रसन्नता से, वहीं पर साधिए और विश्वास रखिए कि वो परिस्थिति आपके लिए सबसे अनुकूल है जिसमें प्रभु ने आपको रखा है, आपके लिए उससे सुंदर जीवन और कोई नहीं हो सकता, आपके लिए उससे सुंदर व्यवस्था कोई और नहीं हो सकती, जो प्रभु ने आपको दी है, आप जहां हैं जैसे हैं। अंगद जी ने मन में बड़ी करुण पुकार अपने श्री जगन्नाथ जी को निवेदन की, प्रभु मैं तो आने में असमर्थ हूं, आप समर्थ हैं, ये भेंट आपको यही निवेदन करता हूं। अंगद जी ने अपने अपनी दृष्टि में वो रत्न वहीं उस सरोवर की कीच में डाल दिया। अपना मान टले टले जा भक्त का मानना टलते जगन्नाथ जी ने वहीं से अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो हीरा इससे पहले कि भूमि पर गिरता उससे पहले प्रभु ने उसे अपने कर कमल में धारण कर लिया। अंगद जी तो जल से स्नान करके बाहर आ गए और बड़े दुखी मन से कहा कि भैया हीरा तो कहीं सरोवर में खो गया,
राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा ये अवश्य अब फिर कोई छल कर रहे हैं। अंगद जी को पकड़ के कारागार में डाल दिया गया। राजा ने सारे सरोवर का जल निकलाया, सारे सरोवर की कीट छान मारी। जब राजा ने करबद्ध प्रार्थना करके अंगद जी से कहा कि आप बता तो दीजिए वो रत्न कहाँ है, अंगद जी ने कहा वो रत्न जिसका था उसकी सेवा में पहुंच गया। राजा ने कहा ऐसे कैसे संभव है, आप यहां आप कहते हैं मैंने हीरा जगन्नाथ जी को भेंट कर दिया। राजा ने सिपाही भेजे, सिपाहियों ने जाकर जब श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो जगन्नाथ जी के वक्षस्थल पर दूर से वो हीरा जगमगा रहा था। आज तक भी श्री जगन्नाथ जी नित्य प्रति वो रत्न धारण करते हैं, आज भी श्री जगन्नाथ जी के श्रृंगार में नित्य उन्हें उनके हृदय पर वो रत्न धारण कराया जाता है। भक्त के हृदय में जितनी आतुरता होती है प्रभु से मिलने की, प्रभु के हृदय में उससे कहीं अधिक आतुरता होती है। जब आप बड़े प्रेम और भाव से कोई वस्तु प्रभु के निमित्त लेकर जाते हैं तो प्रभु के हृदय में बड़ी उत्कंठा होती है उस वस्तु को पाने की, उस वस्तु का भोग लगाने की, उस वस्तु को आरोगने की, उसे स्वीकार करने की। अब राजा को समझ में आया भक्त और भक्ति की महिमा। कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में जिनको बिना चमत्कार देखे, जिन्हें बिना चमत्कार की चकाचौंध के कोई वस्तु सदमार्ग सदविचार सतपथ दिखाई नहीं पड़ता। अंगद जी के चरणों में जा पड़े कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया, मैंने एक भक्त का अपमान किया, एक भक्त हृदय को कष्ट दिया, जो वस्तु वस्तुतः प्रभु की ही थी, जो प्रभु के ही योग्य थी, उस पर अधिकार जमाने की अनधिकार चेष्टा मैंने की, मुझसे तो एक साथ बहुत से अपराध हो गए। अंगद जी के चरणों में पड़ गया राजा और अंगद जी प्रेम में भरे गा रहे हैं, जाकी छूत जगत को लागे, जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, तापे तू ही ढरे, तापे तू ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, 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 नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। अंगद जी ने कहा राजा ये केवल जीव का मिथ्या भ्रम है, सबे भूमि गोपाल की, तीनों लोकों की कण से लेकर मन तक प्रत्येक वस्तु के एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण हैं। जीव की यह अनधिकार चेष्टा है, यदि जीव किसी वस्तु पर अपना अधिकार करता है तो यह उसकी अनधिकार चेष्टा है और अनधिकार चेष्टा करने वाला अंत में दुख पाता है, कष्ट पाता है, पीड़ा पाता है, क्लेश हाथ आता है। मेरी कुछ महिमा नहीं तो मेरे प्रभु की महिमा है जो सदा हर काल में अपने अपने भक्त के असत्य को भी सत्य करते आए हैं, जो अपने भक्त की हर बात का मान रखते हैं। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद,
दावीद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ 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 बिन कौन करे। तो बड़ी सुंदर सी एक विधि, एक बड़े सुंदर से सिद्धांत का सूत्रपात करती है ये कथा, कि भक्त के हृदय की जो उत्कंठा है वो उत्कंठा केवल एक पक्षीय नहीं है। भक्त के हृदय की जो इच्छा है वो इच्छा केवल एक भक्त के हृदय की नहीं है, वो प्रभु के हृदय की भी इच्छा है।